गाइस गोल्डन हर्ट जो कि किसान मोर्चे के दौरान आपने बहुत नाम सुना होगा इस होटल का। मुंह में पानी आ रहा है देखकर कि फटाफट भैया बनाए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सरना ब्रदर्स। सो गाइस मॉर्निंग के 6 o'clock हो चुके हैं और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आज की जो मेरी प्लानिंग हैगी, आज मैंने अपने इन लॉज के साथ थोड़ा आउटिंग पर जाना है और उसके साथ हमने गुरुद्वारा साहब के दर्शन भी करने हैं जो कि हरियाणा शहर जींद में है। 9वीं पातशाही तन तन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का है, उधर जाके दर्शन करेंगे और जो भी वहाँ का इतिहास होगा आपके साथ साझा करेंगे। तो गाइस अर्जुन और उसकी मम्मा अर्जुन की नानी के घर में गए हुए हैं, जैसे वो रेडियो पर बाहर आते हैं तो मैं भी बाहर जाकर उनके साथ जो भी प्लानिंग होगी आपका शेयर करते रहेंगे। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना और हमारे चैनल सरना ब्रदर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो गाइस कॉल आ गई है, बाहर गाड़ी भी आ गई तो चलते हैं और देखते हैं। ठीक है भाई, चल रहा हूँ। ओके बाय बाय। तो गाइस कॉल आ गई है, गाड़ी बाहर आ चुकी है गुरुद्वारा साहब की पार्किंग में। और बोलू ठीक है भैया? गाइस ये हमारा बोलू है, सफाई की पूरी ख्याल रखता है। गुरुद्वारा बाला साहिब दिल्ली। और गाइस गाड़ी भी आ चुकी है, आइए पहले आपका मैं इंट्रो करवा देता हूँ सारों का। तो गाइस ये है अर्जुन की नानी जी। सत श्रीकाल जी, ठीक हो जी? ये कैसा है? ये नाना जी है अर्जुन के। सत श्रीकाल जी, ठीक हो जी? ये मामी है। सत श्रीकाल। ये अर्जुन और अर्जुन के मामा का तो पता ही है आपको, और ये अर्जुन के मामा। और जी ठीक हो महाराज? वधिया वधिया। चलो चलिए जी, चलो जी चलो। चाह पानी पी लिए रुक के? हाँ जी हाँ जी। कोई हम ढंग होटल आना रुक के चाह पानी पी लेंगे। ठीक है। चलो कोई भी आएगा रस्ते में ना, उसे गोल्डन हार्ट आ रहे हैं ये ओपन होया तो उधर ही थोड़ा नाश्ता पानी करके। हाँ जी हाँ जी। सो गाइस गोल्डन हार्ट जो कि किसान मोर्चे के दौरान आपने बहुत नाम सुना होगा इस होटल का, बहुत सेवा करी थी इनके ओनर ने। आओ जी आ जाओ अर्जुन। अच्छा अभी तो फिलहाल जो सामने है अर्जुन वहाँ पर ही जा रहा है गोल्डन हट पर। सो गाइस पहुँच गए हम गोल्डन हट, अब इधर चाय पानी कुछ हल्का फुल्का पियेंगे उसके बाद आगे निकलने की तैयारी करेंगे। ठीक है चलो और चलो। गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है इन्होंने, वॉशरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन है। अभी मैं होकर आया हूँ, पार्टी जोन एरिया भी बनाया है अंदर इन्होंने। गाइस ये है हमारे राम सिंह राणा जी जिन्होंने किसान मोर्चे के टाइम बहुत ही हेल्प करी और शुरू से इनका जो लंगर का प्रोग्राम चलता रहा इन्होंने आखिर तक पूरा सहयोग करा। और इनका ये दिल्ली से थोड़ी दिल्ली बॉर्डर से आगे ही राय जगह पड़ती है, यहाँ पर इन्होंने न्यू खोला है। आप लोग भी आइए इनके पास और इनका हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं इन्होंने जो सहयोग हमारे को किसान मोर्चे में। ये न्यू नहीं खुला, ये वो होटल है जो पूरे का पूरा किसानों के पास था। पीछे हमने वो पढ़ा था नाव ओपन। हाँ नाव ओपन मतलब ये 421 दिन बाद खुला। अच्छा अच्छा। ये 421 दिन किसानों के संघर्ष में बंद रहा, परमात्मा ने गुरु महाराज ने हमें जो सेवा दी हमने तन मन धन से जितना कर सके उससे हम आपका देखते रहते हैं यूट्यूब में जो भी न्यूज़ आता सब उस परमात्मा की नेर है, कृपा है बस। कृपा आप पर बनी रहे ऐसे हम भी अरदास करते हैं, आपने जो सहयोग दिया। क्या कह रहे हो बच्चे? आज उन्होंने आइसक्रीम खानी है उधर भैया। आइसक्रीम है 5 आलू का परांठे और 1 आलू प्याज का परांठा। टेस्टी है बहुत टेस्टी है। मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ, मेरा ग्रिल सैंडविच आ रहा है ना।
गाइस ये जो ट्रैक्टर है गोल्डन हार्ट में जो खड़ा हुआ है, ये हमारे एनआरआई भाइयों ने, एनआरआई वीरों ने, गोल्डन हार्ट के जो ओनर है राम सिंह राणा जी, उनको सम्मानित करने के लिए दिया था। जो उन्होंने किसान मोर्चे के दौरान जो उन्होंने सेवाएं करी हैं, उसमें हमारे एनआरआई भाइयों ने उनको सम्मानित करने के लिए ये ट्रैक्टर दिया था। गाइस अब चाय नाश्ता हो गया, अब चलने की तैयारी है जी। चलिए जी फिर, चलो हो गया नाश्ता पानी, बहुत बढ़िया। ट्रैक्टर है जरा राम सिंह राणा जी ने सम्मानित किया था, देखना जी। नाश्ता पानी हो गया, चलिए जी, चलो ठीक है जी, चलिए फिर। ओके चलो अर्जुन बैठो बेटे, तो फिर हम गुरुद्वारा साहब इधर डायरेक्ट हम चलेंगे, तकरीबन 98 किलोमीटर दिखा रहे हैं तकरीबन। हाँ जी हाँ जी, इधर सीधा ही जाना, घंटा सवा घंटे तक आएगा, पूछे आएगा मैं उधरों, तो गूगल मैप खोल लेंगे जिस तरह भी जो रूट होएगा उसी टाइम में। अर्जुन रह गया, वो बैठा हुआ पीछे, ये रह गए मिली रहा। हेलो गाइस, तो बोला नहीं यार एक बारी भी अर्जुन। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कौन आई है आवाज? गाइस ये मूर्छल से अंदर को एक गूगल मैप ने हमें रास्ता दिखाया है, जो हरियाणा के शहर जींद में गुरुद्वारा साहब हम जा रहे हैं, गुरु तेग बहादुर साहब जी का आएगा। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी जींद, गुरुद्वारा साहब पहुंच गया जी। बहुत ही सोहनी जगह हैगी, बहुत खुला एरिया है, आप जी देख सकते हो, बहुत सोहनी नेचुरल हवा चल रही है एकदम, और सरों का खेत तो बहुत ही सोहना लग रहा है। आओ जी दर्शन करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा साहब नूं मंजी साहब के नाम तो भी जाने जाता है। नौवीं पातशाही धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, दर्शन करो जी। वाहेगुरु संगत जी, इस गुरुद्वारा साहब विच एक सरोवर साहब भी सुशोभित है, अर्जुन तेग असीं इशनान कर रहे ने। चलो बाहर आओ, चलो आगे डंडा लेके आओ, चला जाओ बहुत ठंडा पानी। साध संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी आप जी दर्शन कर रहे हो गुरुद्वारा मंजी साहिब, जो कि धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का स्थान है, यह हरियाणा के जींद विच पैंदा है। संगत जी साढ़े दो गुरु साहिबाना ने इस पवित्र स्थान पर चरण पाए सी। पहला गुरु नानक देव जी महाराज जदों अपनी दूसरी उदासी विच दक्षण दे पासों आ रहे थे, तां इत्थे उन्होंने अपने चरण पाए सी। उस तों उपरांत साढ़े धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नौवीं पातशाही 1732 ईस्वी विच जदों कश्मीरी पंडित अपनी फरियाद लेकर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के कोल श्री आनंदपुर साहब विखे अपनी फरियाद लेकर पहुँचे सन, तो कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुनकर जदों दिल्ली अपना शीश बलिदान करन वास्ते आए सन, तो रास्ते में पटियाला दुख निवारण साहिब होंदे हुए तमतान साहिब तो होंदे हुए इस पवित्र स्थान जीन पर आए सी। तो इस गुरुद्वारे नूं मंजी साहब के नाँ तो भी जाने जाता है। कुछ समा इत्थे गुरु साहब ने व्यतीत करन तो बाद गुरु साहब ने इत्थे संगतां नूं साधो मन का मान त्यागो का उपदेश दिता, तो गुरु साहब कुछ टाइम इत्थे रुकन तो बाद अगे लखन माजरा होंदे हुए आगरा गए। आगरा जाके गुरु साहब ने अपनी गिरफ्तारी दी। तो संगत जी ऐसी इतिहास इस गुरुद्वारा साहब का, तो इतने बहुत ही सोहने तरीके नाल सरोवर साहब भी आप देख सकते हैं, और गुरुद्वारा साहब की इमारत भी बड़े सोहने तरीके नाल बनी हुई है। तो संगत जी मैं बेनती करांगा आप जी अगे आप जी लोग भी इतने
आओ तो गुरु साहब दी खुशियां प्राप्त करो। तो मैं अपने चैनल सरना ब्रदर्स विच अपने डिस्क्रिप्शन विच इधर दी लोकेशन मैं पा दांगा तो आप जी लोग इधर आसानी नाल मैप दे थ्रू आ सकते हैं। और संगत जी आप जी अपनी फैमिली नाल दूरों किरू आंदे हो तो इत्थे सरां दा भी अरेंजमेंट हैगा, इत्थे रूम भी बड़े ईजीली मिल जाते हैं तो तुसीं रात इत्थे ठहर कर अपना लंगर घर भी हैगा, प्रशादा छको अपना तो गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शक्ल ध्यान चाहिए आंदो आंदो हो गया एक और है लास्ट हो गया जीन में ये हमारे को दिखा है चार भुजा कुल्फी आइसक्रीम फलूदे वाले। कौन कौन से शेक रखे हैं अपने पास? ये तो बादाम शेक है। बादाम शेक है, एक बना के दिखाओ जरा कैसा आएगा। ये कितने का गिलास है? तो गाइस आप देख सकते हैं 40 रुपए का गिलास है और ये शेक बनाना शुरू कर दिया भैया ने। ये कितने किस्म की आइसक्रीम डाल रहे हो? चार फ्लेवर। गाइस ये जो सेटअप बना रखा है ये भी आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ऑन रोड जेली बता के डालना भैया, जो भी डालोगे रोज़ा ठंडी और ताजगी के लिए। बटर स्कॉच फ्लेवर, तो गाइस आप देख सकते हैं मुंह में पानी आ रहा है देखकर कि फटाफट भैया बनाए। अभी क्या क्या डाल रहे हैं? अच्छा कोकोनट पूरा। गाइस ओनली 40 रुपीस में भैया ने गिलास इतना फुल भर दिया है और ये चम्मच हो गया खड़ी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सत्यनारायण। कितने टाइम से कर रहे हैं आप? 4-5 साल। ये खास कौन सी जगह पड़ती है जहाँ खड़े हैं? गोहाना रोड जींद। गोहाना रोड जींद में हमें आइसक्रीम वाले भैया शेक वाले मिले। गाइस ग्लास पूरा फुल लोडेड कर दिया है। चलिए गाइस खाते हैं इसको फिर बताते हैं। लोही तुझे शुरू करो, 5 गिलास और बना दो भैया और 3 आइसक्रीम कर देना कोन में, ठीक है? थैंक यू। ठीक होनी है, बहुत ज़बरदस्त चीज है। चलो पैसे वसूल हो गए जी 40 रुपये में, बहुत ज़बरदस्त चीज का कमेंट्स आया भैया के लिए। थैंक यू भैया।
भैया हमारा सरना ब्रश का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना, उसमें आपकी वीडियो भी आएगी, ठीक है। तो गाइस सेटअप भी बहुत प्यारा बनाया हुआ, जिसे हम छोटा हाथी गाड़ी बोलते हैं उसी को ऐसी सेटिंग बनाई हुई है ऑन रोड। बादाम शेक, फलूदा, फ्रूट फ्लाइट, लस्सी, काजू शेक, कुल्फी, चार भुजा आइसक्रीम,